अबीरा को आया चक्कर और फिर गिर गई फर्श पर। हाय, ये अचानक अबीरा को क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं, अबीरा प्रेग्नेंट है तो ऐसे में चक्कर आ ही जाते हैं। लेकिन अबीरा की प्रेगनेंसी में काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं और ये दोनों बात से अरमान अभी तक अनजान है। हालांकि अबीरा ने आज पूरी तैयारी की थी कि वो अपनी जबान से अरमान को सब कुछ सच बता देगी, लेकिन सीरियल की कहानी में कोई बात सीधे सीधे तो होती नहीं। उसमें तड़का लगाने के लिए, कहानी को एक नया रूप देने के लिए ट्विस्ट तो लाया ही जाता है। भी आया नहीं, भूख पहले आ गई। नो 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 नो, किसको लालची आय से देखना बंद कर अबीरा, फिर सरमान आ देगी। सॉरी करो सरमान, लेकिन बेबी बीएसपी को भूख लग रही है। मैं कल की तरफ आज इसे भूखे रखने का रास्ता नहीं है। चक्कर की वजह से कहीं मैं उसे आज भी कुछ ना बता पाऊँ। मैं और वेट नहीं कर सकती, मुझे अरमान को बताना ही पड़ेगा। शॉक जैसा सरप्राइज मिल गया अरमान को। मैंने एक्चुअली सरप्राइज प्लान किया था कि मैं विया प्रेग्नेंट बोलूँगी एंड टीवी पे बैनर आएगा, केक है बेबी शर्मा पोदार वाला, बट मैं उससे पहले बेहोश हो जाती हूँ और फिर डॉक्टर इनको बताती है। सोचो आप, वेरी बैड। अबीरा जब तक अरमान को सच बताती, वो बेचारी खुद बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर क्या, उसी वक्त अरमान पहुँचता है और अबीरा को ऐसी हालत में देखकर दंग रह जाता है। और फिर जोर का झटका जोरों से तब लगता है जब उसे एक डॉक्टर बताती है कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये बेहोश कैसे हुई? इस हालत में ऐसे, इस हालत में? मतलब आपको पता नहीं है आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है? ये खबर सुनकर तो अरमान और भी शॉक हो जाता है, लेकिन अभी तो उसे बस अबीरा की चिंता है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अरमान का रिएक्शन तो कुछ होता ही नहीं है। अरमान तो दुखी हो जाता है कि यार ये इतनी बड़ी खुशी वाली बात इस तरह से अरमान को पता चली। अरमान के लिए तो इससे बड़ी खुशी कोई हो ही नहीं सकती कि और अरमान और अबीरा का बेबी हो, उनकी अपनी फैमिली हो, अपना ब्लड हो। तो ये खुशी जब उसको पता चलता है कि इसके अलावा सबको पता है इस रेस्टोरेंट में, बाहर लड़कियों को भी पता है, गार्ड को भी पता चल गया, अंदर जितने लोग आए खाने उनको भी मालूम है और अरमान को ही नहीं पता, तो ऑब्वियसली वो किसी ना किसी स्टेट ऑफ माइंड में जाता है। वो क्या होगी वो बाद में पता चलेगा नेक्स्ट सीन में। अबीरा होश में आने के बाद सच बताना चाहती है, लेकिन किसी ना किसी वजह से अरमान से बात नहीं हो पाती। डॉक्टर प्लीज, आई एम फाइन। आपको सैंडविच खाना? डॉक्टर प्लीज, मैं कुछ खा लूंगी, हम दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। अरमान, अरमान, अरे आप प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, आपने बहुत वीकनेस है, बैठ जाइए प्लीज। एक मिनट अरमान, मैं ले लीजिए। हाँ, मैं फिर भी ट्राई कर रही हूँ बताने के लिए आप प्रेग्नेंट है। वो फिर डॉक्टर बीच में आ जाती है, बोलती यू नीड रेस्ट। और अबीरा को न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत है, तो डॉक्टर जो है वो वाइट ब्रेड अबीरा को खिला देती है। तो मुझे वाइट ब्रेड वाला सैंडविच खिलानी है वो बेसिकली। खैर, मैं बता नहीं पाती, मैं चाह रही हूँ उसके बाद भी, मैं मोनिटर पर भी, आई मीन टीवी पे भी दिखाना चाह रही हूँ बट नहीं दिखा पाती। अब तो पता चल ही गया ना अरमान को जब तक। हाँ, बट लाइक मैं दिखा रही थी कि देखो मैं सरप्राइज कर रही थी, इसीलिए बुलाया था यहाँ। बट वो उसे देखे बिना, उसे लगता है कि वो बाय एक्सीडेंट यहाँ आ गया और यहाँ सबको पता है कि वो प्रेग्नेंट है। और मुझे नहीं पता कि मैंने सरप्राइज के लिए प्लान और बताने के लिए बुलाया। अब अरमान के मन में क्या चल रहा है वो भी हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना कहेंगे कि अरमान को ये बात जरूर बुरी लगी कि इतना बड़ा सच अबीरा ने आखिर उससे क्यों छुपाया। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।